हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज महाशिवरात्रि के ओकेजन पे आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई महाशिवरात्रि की, स्पेशली उन उन फ्लेम्स के लिए जिन्होंने इतने सारे पड़ाव पार किए हैं। एज अ मैस्कुलाइन जो मैंने एक्सपीरियंस की है शिवा के साथ, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। मेरा एक्सपीरियंस किसी के थ्रू 2018 में हुआ था, जब मैं फर्स्ट टाइम शिवरात्रि महाशिवरात्रि की रात जागी थी। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ। तो मोस्टली जो मैस्कुलाइन या फेमिनाइन होती हैं, जो शिवा से बहुत स्ट्रांगली अंदर से कनेक्टेड होती हैं, उनको उस टाइम पे नहीं पता होता कि वो शिवा से कनेक्टेड हैं, बट वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को बाद में पता लगता है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या ऐसी जर्नी भी एग्जिस्ट करती है। तो 2018 में माँ शिवरात्रि की रात मैंने जागना शुरू किया, और 2019 में मेरा अपनी ट्विन से इसी टाइम के अराउंड सेपरेशन हुआ। और मैं बहुत गुस्से में थी शिवा से कि अगर तुम एग्जिस्ट करते हो तो तुमने सेपरेशन क्यों दिया, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं थी, और वो सेपरेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे और मेरे ट्विन के बीच में। उसके बाद 2020 में मैंने फिर से शिवरात्रि की रात जागना शुरू किया, 2021 में भी, 2022 में भी। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है शिवा के साथ, वो ये रहा है कि मेरी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या मेरे को लगता है कि आगे स्टेप नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो मैं हमेशा शिवा से कनेक्ट होगी। मेरे घर में एक छोटा सा शिवलिंग भी है और मैं वहाँ दिया जलाती हूँ, एवरी मंडे जल चढ़ाती हूँ वहाँ पे, और कनेक्ट होती हूँ शिवा से, मंत्रा चैंटिंग करती हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर मेरी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड की जो बैलेंसिंग आई है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है इस जर्नी में, वो शिवा की वजह से आई है। शिव पुराण पढ़ने के बाद आई है, शिव की मंत्रा चैंटिंग के बाद आई है, शिव से कनेक्ट होने के बाद आई है, शिव से मेडिटेशन में ध्यान लगाने के बाद आई है। और मैस्कुलाइन के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है शिवा से कनेक्ट होना, क्योंकि उनकी जो ग्राउंडिंग होती है, देखिए आप किसी भी भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। महादेव से कनेक्ट होना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उनकी ग्राउंडिंग उस लेवल पे होती है, या फेमिनिन के लिए उनकी ग्राउंडिंग उस लेवल पे होती है। कुछ तत्व ऐसे हैं शिवा के जो हम सबको अपनी लाइफ में चाहिए, जिस तरह से वो ध्यान करते हैं, जिस तरह से वो ज़ीरो फील्ड में रहते हैं, शून्य शून्य जिसको हम बोलते हैं। और ट्विन फ्लेम्स के लिए महाशिवरात्रि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस रात डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का यूनियन होता है। तो अगर आप इस रात जाग के मंत्रा चैंटिंग करोगे, तो आपको वो वननेस डिवाइन के साथ आने वाले सालों में, मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है पिछले 4 साल में, 5 साल में, कि आने वाले सालों में आपको उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो फ्रूट है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और मैस्कुलाइन्स का जो एक करेज का पार्ट होता है, वो हमेशा शिवा से ही आता है। मैस्कुलाइन का जो प्रोटेक्शन का अपनी शक्ति को पार्ट आता है, अपनी फेमिनिन को आता है, वो शिवा से ही तत्व वो लेते हैं, क्योंकि एज अ मैस्कुलाइन, एज अ डिवाइन मैस्कुलाइन, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी फेमिनिन या डिवाइन फेमिनिन की रक्षा करें और प्रोटेक्ट करें उनको, जिस भी तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस दुनिया से। और आपका इस रात्रि को जाग के जाप करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि आप वो इनर यूनियन एक्सपीरियंस करवाओ मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच, और अपने ट्विन के साथ भी। जब वो मर्जिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब आपकी मर्जिंग स्टार्ट हो जाती है अपने ट्विन फ्लेम से, तब आप महाशिवरात्रि की रात जागना शुरू करते हो। और मेरे को जब पता भी नहीं था कि मेरी मर्जिंग मेरी ट्विन के साथ स्टार्ट हो गई है, तब
मैंने जागना शुरू करा था और मेरा कनेक्शन अब स्ट्रांग हो गया है, जैसे ही महादेव के साथ बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है और बहुत स्ट्रांगली मेडिटेशन में भी उनसे कनेक्ट हो सकती हूँ। आने वाले कुछ इवेंट्स हैं उसके बारे में मुझे पता लगता है, बट ये चीज़ भी है कि महादेव से कनेक्ट होने का मतलब है कि आपको पहले रेडी होना होगा कि आपकी जितनी भी डार्कनेस अंदर की है या आपके लाइफ में डार्कनेस है उसको वो पहले शैटर करेंगे एकदम से। आपको पहले डार्कनेस के अंदर से लेके जाएंगे, फिर आपको लाइट की तरफ लेके जाएंगे, और फिर वो जो अपलिफ्ट करेंगे आपको वो बहुत ही डिफरेंट होगा। और महादेव तो डिस्ट्रक्शन पहले कॉज करते हैं, उसके बाद वो कंस्ट्रक्ट करते हैं जो आपको आपकी कॉन्शियसनेस राइज करने के लिए इम्पोर्टेंट है, आगे ले जाने के लिए इम्पोर्टेंट है। और महादेव का भी हमेशा कनेक्शन मैस्कुलाइंस के साथ स्ट्रॉन्ग रहा है, और बहुत सारी फेमिनाइंस भी बोलते हैं उनके ट्विन फ्लेम जो हैं मैस्कुलाइन, वो महादेव से कनेक्टेड हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि प्रोटेक्शन और डार्कनेस से हमें शिवा ही निकाल सकते हैं, और शिवा ही कहीं ना, वैसे तो मेरा मानना ये है कि सारे भगवान एक हैं। मैं सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, सबके रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मेरा जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस जर्नी में आने के बाद बना है वो महादेव से बना है। और मैंने मिरेकल्स भी अपने लाइफ में बहुत सारे होते हुए देखे हैं। रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने मेरे आसपास बोला, किसी को शिव स्त्रोत्रम सुन रहा है, किसी को शिव की इमेज दिख रही है मेरे आसपास के लोगों को, किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को शिव ड्रीम में दिख रहे हैं। तो मुझे भी शिव थोड़े दिन पहले, थोड़े समय पहले ही ड्रीम में दिखे थे, और कुछ चीज़ें थी जो मैंने शिव को बोल महादेव को बोली थी कि मुझे ये चीज़ों से निकालने में हेल्प करो, तो उन्होंने ज़रूर हेल्प करी, क्योंकि वो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं यूनियन को। तो इनर यूनियन को एक्सपीरियंस आज का दिन करें जितना ज़्यादा हो सके। मैं तो रात्रि को जागती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं लाइव आ पाऊँगी रात्रि तो आप लोगों के साथ ज़रूर जुड़ूंगी। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करना इस जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं फेमिनाइंस को देखती हूँ, वो देखिए ये भी जर्नी का ही पार्ट है, चेस करना अपने ट्विन को, अपने ट्विन के पीछे भागना, तो वो इस जर्नी का पार्ट है। बट जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन होते हैं ना, वो एक दूसरे को उस लेवल पे चेज नहीं करते हैं, और ये रनिंग चेजिंग का ज़्यादा समय नहीं चलता है। उन दोनों को अंदर से पता होता है कि ये कनेक्शन क्या है, इस कनेक्शन की क्या वैल्यू है। और अभी ग्राउंडिंग भी जो हो रही है वो हम सबकी अपने ट्विन के साथ यूनियन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इनर यूनियन की तरफ, वननेस की तरफ, अनकंडीशनल लव की तरफ, और एक्सटर्नल यूनियन की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो वेव आएगी वो सबके लिए आएगी, ऐसा नहीं है कि एक भी ट्विन बचेगा कि ये ट्विन को निकालो, नहीं, जो वेव आएगी वो सब फेमिनाइंस के लिए आएगी, और जो मैस्कुलाइन रेडी हैं उनके लिए आएगी, कि जहाँ पे आपका यूनियन संभव, अब से, आज की शिवरात्रि के बाद से, महाशिवरात्रि के बाद से संभव है किसी भी टाइम। बट उसके लिए आपको पहले वर्थ बनना होगा, डिवाइन को दिखाना होगा कि यस मैं वर्थ इट हूँ, मैंने अपने ऊपर काम किया है। ये नहीं कि आप एक्सटर्नल यूनियन की तरफ भाग रहे हैं कि मुझे यूनियन चाहिए, मुझे यूनियन चाहिए। बिलीव मी, यूनियन आपका ही है अपने ट्विन के साथ, वो कहीं नहीं जाएगा, बट आपको उसके लिए अपने ऊपर काम भी करना होगा, अपने ऊपर वर्क करना होगा, अपने ट्रॉमास की तरफ। और अगर आप बिना काम किए अपना यूनियन मांग रहे हैं, डिवाइन आपको देंगे, और वो एक आपके लिए बहुत बड़ा स्लैप होगा। अपनी ग्राउंडिंग होनी बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है, इनर वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया से और ऐसे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से कनेक्शन अपना कट ऑफ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि तुझे फर्क ही नहीं पड़ता अब कि कोई आए या जाए, तो यस वो होता है, एक डिटैचमेंट वाली स्टेज आ जाती है कि आपकी लाइफ से कोई जाता है, आपको पता है कि डिवाइन, आप इतना विश्वास करते हो भगवान पे कि वो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए ही आपकी लाइफ से जा रहा है,
तो आप भी उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, या बोल सकते हैं आपको फर्क पड़ना कम हो जाएगा इन सब चीजों का। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही है, और अगर आपके मैस्कुलिन अभी नहीं जागे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा समय दीजिए, वो जागेंगे जरूर। धन्यवाद दोस्तों।